नमस्कार दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में आज मुंबई और गोवा के बीच में एक मैच खेला गया। इस मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यशस्वी जायसवाल और आदित्य तरे ने पारी की बढ़िया शुरुआत की। जायसवाल और तरे के बीच पहले विकेट के लिए 152 रनों की बढ़िया साझेदारी हुई। आदित्य तरे 86 के स्कोर पर दर्शन मिसाल के आगे स्टंप आउट हो गए। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने बढ़िया पारी खेलते हुए अपना शतक पूरा किया। जायसवाल ने 123 गेंदों पर 6 चौके और 5 छक्के जड़ते हुए 113 रनों की कमाल की पारी खेली। वहीं श्रेयस अय्यर ने 29 गेंदों पर 47 और शिवम दुबे ने 13 गेंदों पर 33 रनों की तूफानी पारी खेली, जिनकी बदौलत मुंबई ने 50 ओवर में 362 रन जड़ दिए। पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने आई गोवा की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज एएस देसाई 8 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नापते दिखाई दिए। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद दूसरे विकेट के लिए आदित्य कौशिक और एसके कामत के बीच 62 रनों की साझेदारी हुई, मगर इसके बाद आए बल्लेबाज स्टार्ट तो मिला मगर वह एक लंबी पारी खेलने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से गोवा की पूरी टीम 48.1 ओवर में 232 रन पर ही सिमट गई। गोवा की तरफ से स्नेहिल गौथंकर ने 50 रनों की बढ़िया पारी खेली। मुंबई के गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की। मुंबई की तरफ से शमश मलानी ने 38 रन देकर 3 और शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट हासिल किए। मुंबई ने यह मैच 130 रनों के बड़े मार्जिन से अपने नाम किया।